हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज की रेसिपी है आलू मटर और ब्रोकली की फ्राई सब्जी। ब्रोकली का इस्तेमाल अक्सर हम सूप बनाने में या चाइनीज डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इसकी सब्जी। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम यहाँ पे लिए हैं 300 ग्राम ब्रोकली को, बड़े पीसेस में काट के गर्म पानी से हम धो लिए हैं। यहाँ पर प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, लंबे स्लाइसिस में कटे हुए 3 मीडियम साइज़ का आलू है, 1 छोटी कटोरी मटर है, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, सबको हम काट लिए हैं। अदरक लहसुन को हम बारीक काटे हैं, इसका हम पेस्ट नहीं किए हैं, आप पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे हम चूल्हे पे रखे हैं पैन, पैन में डाले हैं 2 बड़ा चम्मच तेल, तेल को गर्म होने दें, उसमें डाले हैं जीरा आधी छोटी चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च। सबका कलर चेंज होने पर हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद आलू और अदरक लहसुन जो हम बारीक काट के रखे हुए हैं सबको डाल के हम साथ में 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच हम सब्जी मसाला डालेंगे। सबको मिला के लो फ्लेम पे हम 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम टमाटर और मटर साथ में ऐड करेंगे, तो इसको भी डाल के अच्छे से मिला के हम 1 मिनट भूनेंगे ढक के। उसके बाद इसमें हम ब्रोकली ऐड करेंगे, तो ब्रोकली डाल के अच्छे से मिला दें। इसको भी ढक के हम 8 से 10 मिनट आलू के साथ पकाएंगे। ये आपके लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।